हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्ष यादव है और आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट। आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ और मैं एक दुविधा भरे सवाल के साथ इसे शुरू करूँगा और इसे उस दुविधा में ही ख़त्म करूँगा। तो इसका जवाब को आपको ही ढूँढना है इस दुविधा भरे सवाल में। तो इंसानी जीवन की एक बहुत ही खूबसूरत बात है कि ये हर बात को महसूस करके ही समझ पाता है। जैसे कि आप चाहें किसी भी जगह के बारे में कितना भी पढ़ लें, जब तक आप स्वयं उस जगह को अनुभव या महसूस नहीं करेंगे, वो जगह आपको काल्पनिक ही प्रतीत होगी। उसी प्रकार अगर पृथ्वी में कोई चीज़ बहुतायत है तो वो पानी है। लगभग पृथ्वी का 70-80% भाग पानी अथवा समुद्र से निमग्न है। हालांकि समुद्र का पानी खारा होता है, पर समुद्र बनने के लिए योगदान तो मीठे पानी का ही होता है। अर्थात मैं नदियों के बारे में बात कर रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि आज ये अचानक पानी की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि जब हम अपनी प्राथमिक शिक्षा ले रहे होते हैं या हम उच्च शिक्षा लेते हैं, या यूं कहूं कि जब तक पढ़ाई करते रहते हैं, तब तक हम सही मायनों में समाज में नहीं आए हुए होते हैं। जैसे ही जीवन यापन के लिए आप अपने पैरों में खड़े होने के लिए कमाने निकलते हैं या नौकरी करने निकलते हैं, तब सही मायनों में आपका सामना समाज से होता है, अर्थात समुद्र से होता है। अगर आप गौर से देखें, प्राथमिक स्कूली शिक्षा से लेकर नौकरी पेशा या कारोबार पेशा बनने तक का सफ़र, तो सबसे पहला परिवर्तन समानता से असमानता का होता है। जैसे कि आप सभी समान यूनिफॉर्म पहनते थे, वो धीरे धीरे कॉलेज, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या आप जब तक पढ़ाई कर रहे हैं, तब तक ये धीरे धीरे बदलते जाती हैं और यही बदलाव आपको असमानता की ओर धीरे धीरे ले जाएगा। कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई इंजीनियर बन जाएगा, कोई आईएएस अफसर बन जाएगा, कोई फार्मासिस्ट बन जाएगा, कोई मैकेनिकल इंजीनियर बन जाएगा, कोई केमिकल इंजीनियर बन जाएगा, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएगा। तमाम तरीके के जितने भी सोच हो सकते हैं नौकरी के, वो सब कुछ बन जाएंगे, पर सबका अस्तित्व एक इंडिविजुअल का ही होगा। और यहीं से लोगों में वैचारिक मतभेद और एक दूसरे में टकराव धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। पर अपने सह अस्तित्व को बनाने के लिए विचारधाराओं का सम्मान करना बहुत ज़रूरी होता है और गलत चीज़ों के लिए खड़ा होना और बोलना, ये उससे भी बेहद ज़रूरी होता है एक सौम्य और साम्यावस्था को पाने के लिए। समाज का निर्माण करना ये सभी की जिम्मेवारी है। शुक्रिया दोस्तों। हर्ष यादव साइनिंग ऑफ।